कमोडिटी मार्केट से जुड़ी हर खबर सिर्फ न्यूज मार्केट्स 24 पर, खबर काम की। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल न्यूज मार्केट 24। बात करेंगे खाद्य तेल बाजार में, खास तौर से सरसों के बारे में। आज जानेंगे कुछ मंडियों में किस तरह से सरसों सीड में कारोबार देखा जा रहा है, किस तरह कीमतें चल रही हैं और किस तरह उतार चढ़ाव ट्रेंड बाजारों में आज चल रहा है, विस्तार से बारे में बात करेंगे। मगर उससे पहले, चैनल पर अगर आप नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और अगर आज का वीडियो आपके लिए यूजफुल होता है तो आप वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए। तो सरसों के बारे में बात करी जाए तो घटे भाव पर कमजोर बिकवाली और मिलों की लिवाली की वजह से सरसों में बढ़त दर्ज करी जा रही है और विदेशी खाद्य तेल मार्केट में मजबूती की वजह से सोया तेल में भी आज तेजी से साथ कारोबार देखा गया है। अधिकतर मंडियों में इसके भाव आज मजबूत हुए हैं, स्थिर से मजबूत हुए हैं और सरसों की बुआई बढ़ने से आगे विदेशी बाजार में उठा पटक से सरसों में सीमित कारोबार रहने का अनुमान लगाया जा सकता है। कीमतों के बारे में बात करते हैं तो जयपुर का रेट 6950 है, कल के रेट से आज इसमें कुछ खास परिवर्तन नहीं आया है, दाम स्थिर है। दिल्ली में तेजी आई, मार्केट के उतार चढ़ाव की जानकारी और मार्केट का ट्रेंड जानने के लिए जुड़े सुबह 9:30 बजे लाइव न्यूज मार्केट 24 पर अजय सिंह के साथ। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके अभी ज्वाइन करें। दिल्ली में तेजी आई है, 6850 का लेवल चल रहा है। अलवर की कीमतों में 6700 रुपए पर सरसों सीड में आप कारोबार देखकर जा सकते हैं। ग्वालियर का रेट 6350 से लेकर 6400 के बीच बाजारों में देखा जा रहा है और मौजूदा माहौल में सरसों और सरसों तेल में अपनी जरूरत के हिसाब से ही आप बाजारों में खरीदारी करके चल सकते हैं। बाजारों में आने वाले समय में एक रेंज बाउंड दायरे पर आपको कारोबार देखने को मिलेगा। बहुत ज्यादा गिरावट आने की उम्मीद नहीं है, लेकिन बहुत ज्यादा लंबी चौड़ी तेजी भी बाजारों में आप देख कर नहीं चल पाएंगे। तो आज की खबरों में सिर्फ इतना ही। अगर आज की खबरें आपके लिए यूजफुल हैं तो लाइक जरूर कीजिए, अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में हमें जरूर दीजिए। मिलते हैं आप सभी खबरों के साथ, तब तक के लिए स्टे हेल्दी स्टे सेफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज मार्केट 24।